स्पेस एक ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, एक ऐसी चीज जो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, जो हमसे हजारों किलोमीटर्स दूर है। क्या यही स्पेस है? Somewhere, something incredible is waiting to be known. So let's explore the space, the most beautiful thing for me, although far away from me. स्पेस इज नथिंग। सो चलिए इस नथिंग की तलाश में सब चीजों को गायब कर देते हैं। ये बिल्डिंग्स, ये कार्स, इन कार्स में बैठे ये लोग, इन सब को गायब कर देते हैं तो क्या बचेगा? हमारी अर्थ। अब इस अर्थ को भी गायब कर देता है तो क्या बचेगा? अरबों खरबों प्लैनेट्स, स्टार्स, नेब्यूलास, ब्लैक होल्स एक्सेट्रा। अब इन सब चीजों को गायब करने के बाद हाइड्रोजन, हीलियम के प्लाज्मा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैग्नेटिक फील्ड्स, डस्ट पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोस, कॉस्मिक रेज और एटम्स बचेंगे। तो चलिए इन सारे चीजों को गायब कर देते हैं तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। नहीं, अब बचा जो आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वो चीज है जिसके पास अनेक खूबियां हैं। स्पेस फैल सकता है, मुड़ सकता है, पानी की तरह हिल सकता है। बेसिकली स्पेस अपने आप को किसी भी ऑब्जेक्ट के टर्म्स में चेंज कर सकता है। ग्रेविटी के बारे में तो सुना ही होगा, वो चीज जो हमें अर्थ से जोड़े रखती है। पर सच्चाई तो ये है कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आखिर ग्रेविटी भी तो स्पेस की ही एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सो बेसिकली स्पेस इटसेल्फ बाइंड्स अस टू द अर्थ। स्पेस इज लाइक अ फैब्रिक। जब आप एक कपड़े के ऊपर भारी ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो कपड़ा नीचे की ओर जाने लगता है। स्पेस भी ऐसा ही है। स्पेस में मौजूद हर ऑब्जेक्ट स्पेस फैब्रिक को अपनी ओर खींचती है। जैसे कि हमारे अर्थ ने स्पेस फैब्रिक को कर्व कर रखा है, और जब मून इस कर्व के पास आया तो वो इस कर्व के चारों ओर घूमने लगा। और वैसे ही सन के मास ने स्पेस फैब्रिक को कर्व किया, उसके वजह से अर्थ और बाकी प्लैनेट्स सन के चारों ओर ऑर्बिट करने लगे। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा वो स्पेस फैब्रिक को उतना ही ज्यादा कर्व करेगा। और स्पेस में सबसे बल्की चीज है ब्लैक होल्स। ये इतने भारी है कि इनका मास 60 ट्रिलियन ट्रिलियन किलोग्राम्स तक हो सकता है। लेकिन ये इतनी बड़ी स्पेस फैब्रिक जो ग्रेविटी का काम करती है, ये आखिर बनी कैसे? एटम्स के वजह से। एज यू ऑल नो कि दुनिया में हर चीज एटम से बनती है, और एक एटम इतना छोटा होता है कि आप इसे इस चीज से समझ सकते हो कि एक सैंड के एक पार्टिकल या एक ग्रेन में लगभग 50 क्वांटिलियन एटम्स होते हैं। लेकिन अभी जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ये मान लीजिए कि एक एटम इस रूम के साइज के बराबर है, तो एक न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा होगा? एक छोटे से पार्टिकल जितना। इसका मतलब एक एटम 99.999% एम्प्टी है, और इसका मतलब आप, मैं और दुनिया की सारी चीज 99.99% स्पेस ही तो है। और इसीलिए स्पेस हर जगह है। स्पेस इज एवरीवेयर। पर क्या होता अगर स्पेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती? तो यूनिवर्स टू डायमेंशनल होता और सारे प्लैनेट्स आपस में कोलाइड कर रहे होते, क्योंकि स्पेस नहीं मतलब ग्रेविटी नहीं, और अगर ग्रेविटी नहीं तो ये कोलिशन आपस में चलता रहता, और तब तक चलता जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाता। वेल, स्पेस से रिलेटेड कुछ ऐसे मिस्ट्रीज भी है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, जैसे कि स्पेस कितना बड़ा है, स्पेस का शेप क्या है, स्पेस 3-डायमेंशनल है या फिर इसके और भी कई डायमेंशंस है। और शायद इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स भी कम पड़ जाए, क्योंकि स्पेस तो खुद में ही एक बहुत ही बड़ा राज है।